आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट बीएस। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर फ्रेंड मोहम्मद साहिद ईशान एंड वेलकम बैक टू द चैनल डी टू आर ईशान। तो गाइज आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट BS6 मॉडल। अपन चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड बात करेंगे ये बाइक के किससे कॉम्पिटिट करती है एंड होंडा शाइन SP जो 125 cc है उससे भी मैं इसको कंपेयर करूँगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किनको 125 cc स्प्लिट सीट बाइक करनी चाहिए और किनको होंडा शाइन SP बाइक करना चाहिए। एंड गाइज बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू, स्पेशल थैंक्स टू भारत ऑटोमोबाइल्स जिन्होंने इस बाइक को प्रोवाइड किया रिव्यू के लिए। अगर आपको भी ये बाइक बाई करना है तो मैंने शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उनको कॉल कीजिए अगर आपको ये बाइक बाई करना है। तो गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल वाला आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि वो दबाइएगा तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलेगा। एंड गाइज अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ, जो अभी इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है भारत ऑटोमोबाइल्स में 98,132 रुपया। और गाइज अभी बजाज में एक ऑफ़र चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये ऑफ़र है और ये ऑफ़र ये है अगर आप बजाज पल्सर 125 का और जो सारा जो है वेरियंट उसमें ये चल रहा ऑफ़र, अगर आप बजाज पल्सर नियॉन मॉडल ड्रम में ख़रीदते हैं तो आपको 2500 का डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप पल्सर 125 नियॉन ड्रम स्प्लिट सीट मॉडल खरीदेंगे तो 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। पल्सर 125 नियॉन डिस्क में आप अगर इसको लेंगे तो 2000 का डिस्काउंट मिलेगा और पल्सर 125 नियॉन डिस्क स्प्लिट सीट अगर बाई करेंगे तो 2000 रुपये का छूट मिलेगा। और ये ऑफ़र है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका वैलिड है। अगर आपको भी ये ऑफ़र का फ़ायदा उठाना तो अपने जो आसपास के जो आपके शोरूम हैं वहाँ जाके ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करें। सो अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो गाइस BS4 की तरह आप देख सकते हैं सेम आपको हेडलाइट मिलती है और यहाँ पे दो पायलट हेडलाइट मिलते हैं, उसके साथ हाइलोजन वाला हेडलाइट मिलता है और ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। टेलीस्कोपिक स्पोक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, 170mm का पेटल डिस्क मिलता है और ये डिस्क वाला मॉडल है, टॉप मॉडल है, स्प्लिट सीट और ये नियॉन वाला है। और फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो आपको 90mm वाला टायर मिलता है फ्रंट में और बैक में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है और ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। गाइस BS6 नॉर्म की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स एडेड हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर हो गया। इंजन कैपेसिटी की बात करो तो आपको इसमें 124.4 cc का 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp एट द रेट 8500 rpm और इस बाइक का जो मैक्सिमम टॉर्क है 11 Nm एट द रेट 6500 rpm। BS6 नॉर्म की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्टर को भी ऐड किया जो कि नाइट में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। कमिंग टू डी टैंक्स गाइस, तो इसमें आपको 11.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है और यहाँ पे पल्सर का आपको 3D में लोगो मिलता है जो कि लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है।
यहाँ पे आप एक पार्ट को ऐड किया गया जो कि ये टैंक काउल है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्राफिक्स को ऐड किया है, और ये नया जो है ग्राफिक्स को ऐड किया गया, पहले आपको यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं मिलते थे। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाइस, तो आपको इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है क्लस्टर, और जो नॉर्मल एंड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। आरपीएम दिया गया जो कि एनालॉग में है, और फ्यूल गेज हो गया, ऑडियो मिल जाता है, दो ट्रिप मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर जो कि डिजिटल में दिया गया है, और यहाँ पे हो गया इंडिकेटर लाइट और न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम और इंजन चेक लाइट दी गई है। हैंडल बार की बात करें तो आपको इसमें स्प्लिट हैंडल बार मिलते हैं, जिसकी वजह से हैंडलिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। जो इसमें सारी स्विचेस दी गई हैं उसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, जो और यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं मिरर्स उसकी भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। कमिंग टू दी सीट्स गाइस, तो आपको इसमें स्प्लिट सीट मिलते हैं, और ये सीट बहुत ही कम्फर्टेबल हैं राइडर के लिए, बहुत ही चौड़ी और कम्फर्टेबल सीट मिलता है, और किसी भी हाइट के बंदे के लिए ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए आप इसको राइड कर सकते हैं। एंड पिलियन के लिए भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, लॉन्ग टूर भी आप इस बाइक से मार सकते हैं। बैक में आपको गाइस स्प्लिट हैंड ग्रैब रेल मिलते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये सेम 220 180F और 150 UG5 है, दोनों में एक ही ये हैंड ग्रैब रेल आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं रेड में ये दिया गया है, और लुक को यहाँ से थोड़ा सा ये इम्प्रूव हो जाता है। कमिंग टू द ईयर गाइस, तो आपको इसमें 100 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि BS4E की तरह है, और इसका LED में देख सकते हैं टेलाइट दिया गया है जो कि हर पल्सर में सेम आता है, और बैक में भी आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन की बात करो तो आपको ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल हैं। राइट साइड की बात करें तो कुछ इस तरह का इस बाइक का लुक है राइट से, जो कि थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। और गियर बॉक्स की बात करो तो आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं, 1 डाउन 4 अप वाला सिस्टम है, और यहाँ पे फिन्स दिए गए हैं जो कि रेड कलर में है, जो कि लुक को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। और यहाँ पे ये रहा इसका फ्यूल ऑन ऑफ करने का सिस्टम, और इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, और इसमें कंपनी ने लगाया है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, और ये कुछ है इसका इंजन। आपको यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, कैटलेटिक कन्वर्टर वहाँ दिया गया है, और कुछ इस तरह से इस बाइक का लुक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, इस बाइक को राइड करता हूँ, उसके बाद सारा चीज़ मैं बताता हूँ, इस बाइक की ब्रेकिंग, इनिशियल पिकअप, वाइब्रेशन है कि नहीं, और हैंडलिंग वगैरह सारा चीज़ को मैं अभी कवर करूँगा। सो गाइस अभी मैं इस बाइक को राइड करके सारा चीज़ अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका इनिशियल पिकअप कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है और हैंडलिंग कैसी है। जैसा कि आपने अभी इसका इनिशियल पिकअप देखा, काफ़ी अच्छी इसका इनिशियल पिकअप है, 76 तक मैंने इसको टच किया, गाइज मैं अभी आपको इस बाइक का ब्रेकिंग दिखाता हूँ किस तरह का इसका ब्रेकिंग है। तो मैं पहले इसका फ्रंट ब्रेक का बाइट चेक करूँगा। गाइज मुझे इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, ये बाइक बहुत ही जल्द रुक रही है, और आपको फ्रंट ब्रेक से बहुत ही अच्छा बाइट मिलेगा। एक बार मैं इसका रियर ब्रेक का बाइट चेक करता हूँ। रियर ब्रेक का ये बाइट ओके है, बट मुझे बहुत ही अच्छा इसका लगा फ्रंट ब्रेक का बाइट, बहुत ही जल्दी ये बाइक रुक रही है। हैंडलिंग की बात करें तो आपको बहुत ही अपराइट हैंडल बार मिलते हैं, और ये स्प्लिट हैंडल बार है जिसकी वजह से हैंडलिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, और मुझे इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी लगी, और इनिशियल पिकअप तो और अच्छा लगा। ये बाइक की ईजिली 100 टच करेगी, और टॉप स्पीड अप्रॉक्स आपको 115 प्लस मिलेगी इस बाइक की टॉप स्पीड, क्योंकि आपको इसमें 11.8 BHP का पावर मिलता है, जो कि 125 CC सेगमेंट में बहुत ही अच्छा इसका पावर है। और प्राइस की बात करो तो वो प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 98,132 रुपीज़ है, बट अभी एक बजाज में ऑफ़र चल रहा है जिसकी वजह से आपको 2,000 रुपये का इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वाइब्रेशन की बात करें तो आपको इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं,
तो मुझे ये काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है। और माइलेज की बात की जाए तो आपको माइलेज आपको इसमें 55 प्लस इजली ये बाइक दे देगी, क्योंकि आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है और जो नॉर्मल वाला जो होता है कार्बोरेटर उससे ये अलग है। आपको माइलेज बहुत ही अच्छा निकालेगा और हॉर्न भी इसका बहुत अच्छा है और इसका इंजन भी मुझे बहुत ही स्मूथ लगा 125 cc सेगमेंट में। और आपको इसमें सस्पेंशन भी बहुत ही सॉफ्ट मिलते हैं जिसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड में इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बाइक को आप लोग डेली कम्यूट करने के लिए ख़रीद सकते हैं। ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है और आपको पिकअप भी बहुत ही अच्छा मिलता है इस बाइक में। मुझे ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बिल्कुल, ये बाय करें इसको ज़रूर। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो को देखा, मैंने सारा चीज़ इस बाइक का कवर किया, मैंने इस बाइक को राइड किया और जो फीचर्स वगैरह सब चीज़ मैंने बता दिया। और अभी बात करते हैं, अगर इसको अगर होंडा शाइन एसपी से हम लोग कंपेयर करते हैं तो लुक वाइज भी अगर देखें तो होंडा शाइन एसपी से ये ज़्यादा अच्छी दिखती है, थोड़ी सी मस्कुलर लुक मिल जाता है आपको इसमें। और ये सेम लुक है जो बजाज पल्सर 150 में आता है, UG5 का लुक है वही आपको इसमें मिलता है। और होंडा शाइन एसपी से ये ज़्यादा मस्कुलर भी लगती है और उससे ज़्यादा स्पोर्टी भी लगती है देखने के लिए। बट अगर बात करें जो कि होंडा शाइन में है और इसमें नहीं है, तो उसमें दो चीज़ इससे बेटर है, एक है उसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक है फ्रंट में फुल्ली LED हेडलाइट। बट अगर हम लोग हेडलाइट को छोड़ दें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को छोड़ दें, तो उससे ये ज़्यादा आपको स्पोर्टी लगेगी। आपको स्प्लिट सीट मिल जाते हैं जो कि होंडा शाइन एसपी में नहीं मिलता है। हम लोग प्राइस को भी देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 3 से 4 हज़ार रुपये का प्राइस में डिफरेंस है इससे अगर हम लोग कंपेयर करें होंडा शाइन एसपी से। तो गाइज, अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको काफ़ी अच्छा लुक इसमें में मिल जाता है, जो पल्सर 150 के लुक है UG5 वही आपको इसमें लुक मिलता है और बस CC अलग है। लेकिन होंडा शाइन एसपी से हम लोग कंपेयर करें तो उससे बेटर आपको इसमें लुक मिलता है और उससे अच्छी आपको इसमें ब्रेकिंग भी मिलती है। मैंने इसका ब्रेकिंग टेस्ट भी किया, बहुत ही जल्द ये बाइक ही रुक रही थी। और माइलेज की बात किया तो 55 प्लस ये बाइक इजली लगेगी, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके बाद मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा और उसका एक अलग वीडियो बनेगा। तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 55 प्लस निकाले एवरेज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।